फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू थ्री स्टार 2030। तो देखते हैं हम अभी स्ट्रेटजी, जैसे कि आप देखिए मैंने थ्री स्टार ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्री स्टार आप कैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ मेरा जैसे जैसे मैं ट्रूप छोड़ रहा हूँ, डिप्लॉय कर रहा हूँ, वैसे वैसे ही आपको अपने ट्रूप डिप्लॉय करना है। कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक टाइम बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको भी इसीलिए थ्री स्टार आसन आ जाएगा। ट्रूप छोड़ते हैं थोड़े, आपके ट्रूप इधर उधर जा सकते हैं और उसका कोई टेंशन की लेने वाली बात है नहीं। तो हमने देखे जैसे ट्रूप छोड़ रहा हूँ, आपको भी एकदम वैसे ही छोड़ना है। कुछ भी अलग नहीं करना, कुछ भी अलग नहीं करना, इसीलिए आपको तीन स्टार मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे जंप पे डाल दिया है, दो पैका हमारे जा चुके हैं, एक गोलेम भी चला जाए। अब यहाँ पर हम रेज यूज़ करेंगे ताकि फटाफट जो जो सीसी का जो ड्रैगन निकले उसको फटाफट डिफीट करेंगे। ये हमने सीसी के ड्रैगन को नॉकडाउन कर दिया है। यहाँ से हमने एक और पैका छोड़ दिया है, अभी एक पैका इधर जाएगा हेल्प करने के लिए गोलेम का, और एक हमने इधर जंप पर डाल दिया ताकि तीनों साइड में हमारी आर्मी बढ़ जाए और तीनों साइड के डिफेंस टूट जाए। अभी हमारे दो विजार्ड बाकी, हम इधर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डालूँगा ये यहाँ पे कैनन के पास, थोड़ा इधर हेल्प हो जाएगा। एक मैंने डाला उधर लेबोरेटरी के पास पीछे साइड, एक मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अभी आपको सिर्फ वेट करना है, थ्री स्टार हो जाएगा इजीली। थ्री स्टार बेस है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे मैंने टू डिप्लॉय किया वैसे ही टू डिप्लॉय करना है। कुछ भी अलग मत कीजिए, नहीं तो आपका थ्री स्टार आने का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से विजार्ड जा चुके हैं, वहाँ से गोलेम है, हमारे दो गोलेम अभी भी जिंदा है और एक पैकर जिंदा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। पैका पूरा बेस क्लियर फटाफट कर देगा। दो विजार्ड भी है हमारे पास, जैसे कि आपने देखा है कि थ्री स्टार हो चुका है ये बेस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।